गूगल बार्ड के अनाउंसमेंट के साथ ही गूगल की मार्केट वैल्यू में से 100 बिलियन डॉलर्स उड़ गए। बट क्या रियली में बार्ड ने गलत आंसर दिया था? गूगल बार्ड चैट जीपीटी की तरह गूगल का एक एआई चैट बॉट है जो आपके सवालों के पटर पटर जवाब दे सकता है। बट क्या रियली में ये बार्ड चैट जीपीटी की तरह है? बिंग का नया एआई वर्जन अपने आंसर्स के साथ में सोर्सेज भी दिखाता है, साइटेशन भी दिखाता है, बट बार्ड ऐसा नहीं करता है। तो क्या बार्ड रियली में कंटेंट को चुरा रहा है आपकी वेबसाइट से? अगर आप न्यूज या टेक्नोलॉजी की खबरें सोशल मीडिया के जरिए कंज्यूम करते हैं तो बीते 2 महीनों में आपके दिमाग में एक नैरेटिव बनाया गया है जिसके मुताबिक गूगल खत्म होने वाला है। जनवरी में चैट जीपीटी से खत्म कर रहा था, फरवरी में बिंग खत्म कर रहा है, मार्च में फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा। सोशल मीडिया का गोल आपको न्यूज देना नहीं है, आपसे व्यूज लेना है। इसीलिए आपको शॉकिंग और नेगेटिव चीजें परोसी जाती हैं ताकि आप झट से उसके ऊपर क्लिक करें। इसीलिए घूमी घूमी मनाली का व्लॉग बनाने वालों से लेकर स्वर्ग की सीढ़ी वाले न्यूज प्रोग्राम बनाने वालों तक ने गूगल बार्ड के ऊपर वीडियो बना के रखे हैं, आप देख सकते हैं, आपने देख लिए होंगे। बट बार्ड, चैट जीपीटी या फिर बिंग एआई, ये सारी फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें आप फैक्चुअल पॉइंट्स के बेस पर ही समझ सकते हैं। हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net। आज के वीडियो में हम गूगल बार्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं Bluehost। Bluehost वर्डप्रेस होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स में जाना पहचाना नाम है जो आपको हर होस्टिंग प्लान के साथ फ्री SSL सर्टिफिकेट, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन और फ्री CDN देता है। Bluehost के सर्वर इंडिया में भी लोकेटेड है, जिसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट एक्चुअली में वेबसाइट को बेटर मिलेगी, बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा और सर्वर की लोकेशन से जो गूगल बाबा की आंखों में आपके जो एक दो अच्छे नंबर हो जाते हैं, एक दो चांद और एक्स्ट्रा आ जाते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। सर्वर की लोकेशन भयंकर तगड़ा रैंकिंग फैक्टर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बेनिफिट ज़रूर मिलता है। और अगर आप एक कंपेटिटिव निश में हैं या फिर आप ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो फिर ये जो तोला माशा रत्ती का जो फ़र्क है ये बहुत मायने रखता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, परचेज करिए एंड यूज़ करिए। बार्ड यानी कि एक ऐसा कवि जो लिखता भी है, गाता भी है, शेक्सपियर बार्ड थे, कुमार विश्वास भी एक बार्ड हैं। गूगल टीम में किसी ने बड़े प्यार से इस चैट बॉट को नाम दिया बार्ड, क्योंकि ये इंसानी सोच और समझ उसकी नॉलेज के बेस पर बात कर सकता है, लिख सकता है, इट्स अ पोएट्री। गूगल बार्ड लैम्डा सिस्टम पर बेस्ड एक चैट सिस्टम है। लैम्डा यानी कि लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं ये मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें फिर से रिपीट नहीं करूंगा। बट लैम्डा बेसिकली एक लैंग्वेज मॉडल है जिसे चैट बॉट्स डायलॉग एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। लैम्डा, GPT-3 और बिंग AI सर्च, ये तीनों सेम नहीं है। जीपीटी का डेवलपमेंट हुआ था टेक्स्ट जनरेशन के लिए, सो ये एक पहले से फीड किए हुए डेटा के बेस पर काम करता है, इसीलिए आपको 2021 के बाद का डेटा नहीं मिलता है जीपीटी में। बिंग AI जीपीटी पर ही बेस्ड एप्लीकेशन है जिसे वेब सर्च के लिए डेवलप किया गया है, इसीलिए ये जीपीटी के टेक्स्ट जनरेशन को भी यूज करता है और नॉर्मल इंटरनेट के सोर्सेज को यूज करके आंसर्स को देता है। इसीलिए बिंग AI अपने आंसर में सोर्सेज देता है साइटेशन की तरह, बिकॉज ये वेबसाइट से डेटा को ले रहा है, एज इट इज उठा रहा है। नाउ जो लोग सर्च से जुड़े हुए नहीं हैं वो आपको बताएंगे कि गूगल इस रेस में सबसे पीछे चल रहा है, सबसे पहले GPT आया, फिर बिंग आया, फिर इसके बाद गूगल आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में गूगल ने इस रास्ते पर काम करना शुरू कर दिया था 2014 में। अगस्त 2014 में गूगल ने नॉलेज वॉल्ट नाम का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। नॉलेज वॉल्ट सिस्टम का पर्पस था, अभी भी है, नॉर्मल वेब पेजेस में से इंफॉर्मेशन को निकालना, उसे समझना और स्टोर करना। नॉलेज वॉल्ट सिस्टम न सिर्फ विकिपीडिया जैसे स्ट्रक्चर्ड सोर्सेज से डेटा को लेकर समझने का काम करता है, बल्कि नॉर्मल वेब पेजेस, HTML डॉक्यूमेंट्स, PDFs में से भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन से एंटिटीज बना सकता है, इन एंटिटीज के आपस के रिलेशन को कनेक्ट कर सकता है और फिर उसे स्टोर करके यूज कर सकता है किसी भी एप्लीकेशन में। बट ऐसे तो चैट जीपीटी भी वही वेब पेजेस से ही इंफॉर्मेशन को ले रहा है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या आ गया? जीपीटी किसी वेब पेज के टेक्स्ट को एज इट इज कंज्यूम करता है और फिर जीपीटी का ट्रांसफॉर्मर सिस्टम इस पूरे टेक्स्ट के वर्ड्स के बेस पर ट्रेन होता है, ताकि वो ये गेस कर सके कि एक सेंटेंस में आगे या पीछे क्या आना चाहिए। एक सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमित तिवारी स्कूल जाता है। ये चैट जीपीटी के हिसाब से एकदम सही होगा, बिकॉज अमित तिवारी एक पर्सन है, स्कूल एक प्लेस है, एक पर्सन एक प्लेस की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है? अगर सेंटेंस होगा स्कूल अमित तिवारी जाता है, तो जीपीटी को पता लग जाएगा कि यह सेंटेंस गलत है, बिकॉज एक प्लेस खुद से किसी पर्सन के पास नहीं जा सकता है। ऑल्सो अमित तिवारी एक मेल नाम है, सो किसी भी तरह से ये सही आता है। अगर सेंटेंस होता अमित तिवारी स्कूल जाती है, तो जीपीटी समझ जाता कि यह सेंटेंस गलत है, बिकॉज जेंडर के बेस पर वर्ड गलत है, राइट? सो इट अंडरस्टैंड्स द वर्ड, कौन सा वर्ड कहां पर आना चाहिए, फैक्ट्स नहीं समझता। सो अमित तिवारी स्कूल जाता है फ्रेज जीपीटी सिस्टम के लिए सही हो सकता है, लेकिन नॉलेज वॉल्ट
इस सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से देखेगा। नॉलेज वर्ल्ड को पता होगा कि अमित तिवारी स्कूल जाने की एज पे नहीं है, इसीलिए यह सेंटेंस गलत है। नॉलेज वर्ल्ड के 3 पार्ट होते हैं, नंबर 1 एक्सट्रैक्टर, नंबर 2 ग्राफ बेस्ड प्रायर्स और नंबर 3 नॉलेज फ्यूजन। एक्सट्रैक्टर्स किसी भी डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन को डेटा ट्रिपलेट्स में निकालते हैं। डेटा ट्रिपलेट्स या फिर सिमेंटिक ट्रिपलेट्स किसी भी सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखता है, जिसे कंप्यूटर सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को इजीली समझ सके। इसमें 3 पार्ट होते हैं, नंबर 1 है सब्जेक्ट, फिर है ऑब्जेक्ट और फिर है प्रेडिकेट। अमित तिवारी स्कूल जाता है, इसमें अमित तिवारी है सब्जेक्ट, स्कूल है ऑब्जेक्ट और जाता है हो गया प्रेडिकेट। That apple has red color. इसमें apple है subject, red हो गया object, has color हो गया predicate. हर एक sentence को इस तरह से Google divide करके knowledge vault में store कर सकता है। अमित तिवारी school जाता है, अमित तिवारी goes to school. अमित तिवारी is 36 years old. अमित तिवारी अभी भी subject है, 36 years, object हो गया, old is predicate. अमित तिवारी drives a red car. अमित तिवारी अभी भी subject है, object हो गया red, drives a car हो गया predicate. किसी भी एक सेंटेंस को यूनिक बनाने के लिए 3 ट्रिपलेट्स का होना जरूरी है। इनमें से एक भी जैसे यूनिक होता है, इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। इसीलिए सिस्टम की खूबसूरती ये है कि अब एक सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन का नेटवर्क बन रहा है। अमित तिवारी सब्जेक्ट के लिए स्कूल वाली लाइन भी है, एज वाला फैक्ट भी है, ड्राइविंग कार वाला भी फैक्ट है। ये सारा डेटा नॉलेज वॉल्ट में कलेक्ट हो रहा है। सो कल को अगर कोई गूगल से पूछता है कि व्हाट कलर कार अमित तिवारी एक्चुअली ड्राइव्स और हैज, गूगल को एक्चुअली में वेबसाइट पर जाकर, मेरी वेबसाइट पर जाकर, मेरी सोशल मीडिया फीड में जाकर ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास किस कलर की कार है। ये इन्फॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी नॉलेज वॉल्ट में है। सो ये था नॉलेज वॉल्ट का फर्स्ट सिस्टम एक्सट्रैक्टर, जो किसी भी डॉक्यूमेंट में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके फैक्ट्स को ढूंढता है। इसके बाद है ग्राफ बेस्ड प्रायर्स, जो पहले से मौजूद डेटा और नॉलेज ग्राफ के बेस पर इस नए एक्सट्रैक्टेड डाटा को मैच करता है, रिलेशन ढूंढता है। और फिर थर्ड है नॉलेज फ्यूजन, जिसमें पुराने और नए डेटा के बेस पर ट्रिपलेट के ट्रू या फॉल्स होने को टेस्ट किया जाता है ऑटोमेटिक तरीके से, और फिर ट्रू इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया जाता है। ये नॉलेज वॉल्ट सिस्टम गूगल ने प्रेजेंट किया था 2014 में, और इसके बाद 2017 में गूगल ने ट्रांसफॉर्मर सिस्टम को प्रेजेंट किया, और इस रिसर्च पेपर का टाइटल था अटेंशन इज ऑल यू नीड। इट वॉज ऑल्सो ए पोएट्री, बिकॉज गूगल ऑलरेडी अटेंशन के बेस पर गूगल वॉल्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर चुका था। GPT और Bing AI इस 2017 वाले इन्वेंशन पर बेस्ड हैं, और ये दोनों अपने आप में अच्छे सिस्टम्स हैं, लेकिन Bard और Bing या ChatGPT के बीच का डिफरेंस सिर्फ डायलॉग्स को कैसे भी करके बना लेना नहीं है, बल्कि उस डायलॉग में नॉलेज वॉल्ट को यूज करना भी है। ये नॉलेज वॉल्ट गूगल की अपनी यूनिक है, अभी इस टाइप का कोई भी नोन सिस्टम Bing के पास नहीं है, OpenAI के पास तो है ही नहीं। Now, इस नॉलेज वॉल्ट के गूगल बार्ड पर 2 implications होंगे, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छे ही होंगे, मे बी फ्यूचर में ये बार्ड के ऊपर अच्छा असर ना करे, बट इसमें जो 2 चीजें पॉसिबल हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। नंबर 1, गूगल बार्ड हर फैक्ट या आंसर के साथ साइटेशन नहीं देगा, बिकॉज Bing AI या ChatGPT की तरह ये वेबसाइट से अभी टेक्स्ट उठाना शुरू नहीं कर रहा है। गूगल नॉलेज वॉल्ट में टेक्स्ट की जगह इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स 2014 से स्टोर हो रहे हैं। सो गूगल साइटेशन में आखिर क्या दिखाए? इट्स लाइक अ नॉर्मल किड, अ नॉर्मल बच्चा है जो बुक से सीखता है, वो कल को बड़ा होकर उस बुक से मिली हुई नॉलेज को यूज कर सकता है, उसके बेस पर डिसीजन ले सकता है, बट वो एक्चुअली में साइट नहीं कर सकता है कि उसने किस बुक से फला फैक्ट पढ़ा था। और नंबर 2, गूगल बार्ड कभी कभी कुछ फैक्ट्स का गलत आंसर भी दे सकता है, जैसा कि इस डेमो में हुआ था, बिकॉज एंटिटीज को एक्सट्रैक्ट करने और उनके ट्रू या फॉल्स होने का जो प्रोसेस है, जो चेक करने का प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिक है। गूगल दूसरी वेबसाइट से टेक्स्ट को कॉपी करके नहीं दिखा रहा है, जिसे वो हमेशा सही या गलत होने की जिम्मेदारी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर डाल सके। जो नॉलेज है, जो डेटा है, वो गूगल वॉल्ट से आ रहा है, और उसमें अगर डिसीजन लेते वक्त कहीं की गलती हुई है तो रिजल्ट में भी गड़बड़ होगी। सो इट्स काइंड ऑफ अ ह्यूमन सिस्टम। So I hope कि अब आप Google Bard को बेहतर तरीके से समझते हैं, और साथ ही ये भी जानते हैं कि Bing AI या ChatGPT से किस तरह से अलग है। No confusion, right? चलो फिर सब लोग अभी जुड़ जाते हैं असली SEO टास्क पर। Google फ्यूचर में रहेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल नहीं है आपके लिए। बड़ा सवाल ये है कि आपका क्लाइंट अगले महीने की इनवॉइस पे करेगा या नहीं करेगा, ये बड़ा सवाल है। और वो अगली इनवॉइस Google की रैंकिंग और Google के ट्रैफिक के बेस पर करेगा, इस बेस पर नहीं करेगा कि आप Bing से कितना ज्यादा इंप्रेस्ड हो चुके हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।